हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज से है, जहां पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल गुरुग्राम पुलिस ने गाड़ी लूट मामले में इन आरोपियों को गिरफ्तार किया और तीनों आरोपी बीते 6 दिसंबर को एक कैब चालक को बंधक बनाकर के चाकू से कूदकर जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद ये लोग कैब लेकर फरार हो गए थे। एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह ने बताया कि तीनों आरोपी मानेसर की निजी कंपनी में काम करते हैं। इन लोगों ने कैब ड्राइवर को बंधक बनाकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की और फिर उसे चाकुओं से कूदकर गाड़ी लूटकर वहां से फरार हो गए। ये फरुख नगर में 6 तारीख को एक दिलसाद नाम का ड्राइवर था जो कैब चलाता था, जिसकी गाड़ी को तीन लोगों ने नौरंगपुर से बुक किया था और उनको रोहतक जिले में जाना था। वो बुकिंग लेके जब फरुख नगर से पहले झज्जर रोड पे पहुंचा तो वहाँ पे उन्होंने गाड़ी रोक के उसको चाकू मार के और उसको घायल कर दिया और उसकी गाड़ी छीन के और भाग गए। जिसके संबंध में जब पुलिस को जांच मिली तो हमारे क्राइम इंस्पेक्टर वहाँ फरुख नगर के इंदियोर के नेतृत्व में टीम ने बहुत ही उम्दा काम करते हुए उसमें शामिल तीनों लोगों को गिरफ्तार किया है।